यू हैव इंटरव्यू टुडे, लग रहा था मुझे, प्लीज हैव अ सीट। तो आप कहाँ से आए हैं, मतलब कौन से एरिया से आए हुए हैं आप? ये कवाड़ा मार्केट वाला एरिया, यहाँ ये सुअर लौटते रहते हैं? या आई गॉट इट। मैं एक बार आपका इंटरव्यू शेड्यूल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप जहाँ से आए हुए उसकी उसके जो इंटरव्यूज हैं एक अलग बंदा लेता है। हाँ, वो 12वीं पास है बंदा। कोई बात नहीं, मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल लगा लेता हूँ, आधे घंटे बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब तक आप वहाँ बैठ जाइए। श्योर। आपका नाम? सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा, सुअर वाली गली, सुअर वाली गली। जैसा कि अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपका शेड्यूल है आधे घंटे, शेड्यूल भी आपका लेट हो सकता है, क्योंकि जो हमारे वो जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो थोड़े पैक मार के लेटे हुए हैं पीछे। नहीं, वो थोड़ी उनकी सेक्रेटरी जो है इनके पास, वो थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट कर रही है, नाच वाच रही है, डिस्को बार चल रहा है। आप थोड़ा आधे घंटा बैठ जाइए, मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, आप आ जाइएगा तब। नहीं, आपको वहाँ नहीं बैठना है, आपको नीचे बैठना है। जो उस गली से आते हैं ना, सुअर लौटने वाली गली से, उनको नीचे बिठाते हैं, आप नीचे बैठ जाइए प्लीज़। पानी, वॉशरूम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप चाहो तो यहाँ से आप रोड क्रॉस करके आप वहाँ खूब धार पा सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। हम यहाँ पानी नहीं पीते सर। नहीं सर, यहाँ पानी पहन है, हम यहाँ बियर, दारू, ठर्रा, डरक्स, हम ये सब पीते हैं। हाँ कोई नहीं, आप समझोगे नहीं, आप छोटे लोग अभी, हम बड़े बड़े लेवल के लोग हैं। आप बैठ जाइए प्लीज़। सिद्धार्थ, कम हियर। ओके, गो टू द लेफ्ट साइड एंड देन टेक राइट। वहाँ पर आपको एक गेट मिलेगा, वहाँ पर जॉनी सिंस का फोटो होगा। हाँ, वो फेमस वाले जो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं वो। आप वहाँ जाइए, आपको आपका इंटरव्यू मिल जाएगा जी। थैंक यू, आप जाइए प्लीज़। ओके मिस्टर सिद्धार्थ जी, कहाँ से आए आप जी? अरे टेंशन मत लो, मैं होस्ट में हूँ, ये तो मेरा रोज़ का काम है। आप अपना नाम बताइए पहले। एक मिनट, मैं आपका नाम चेक कर लूँ ज़रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुअर वाली गली। अच्छा, ये आप मेरे घर के एरिया से आए हो, है ना? कहीं नहीं, बैठ जाओ। चलिए, आप अपना इंटरव्यू देना शुरू कीजिए, पसंद आया तो मैं आपको यहाँ पर बैठने दूँगा, नहीं तो आपका गेट उस साइड है। नहीं, वो बाहर जाने का गेट नहीं है, वो कचड़े का गेट है, हम कचड़े को वहाँ फेंकते हैं जाके। चलिए शुरू कीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। ओके ओके, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा, 10वीं पास। ओके, आपने आपने क्या क्या कर रखा वैसे? अच्छा, चोरी, यहाँ पर मैनेट्री है, आपको चोरी करना आना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पे फेल हो जाते हो, आप चोरी नहीं कर पाते हो, तो फिर मैं कुछ और कंडीशन के हिसाब से आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर चोरी, डकैती, काली गलौज, ये मैनेट्री है, ये आपको करना पड़ेगा। आप अगर अपना बैग यहाँ छोड़ के जाते हो तो कोई भरोसा नहीं है कि आधे घंटे बाद आपका बैग यहीं मिलेगा, हो सकता है कोई और उड़क ले जाए। तो ये चीज़ है, आपको चोरी सीखनी पड़ेगी, आपको दूसरों के बैग्स चुराने पड़ेंगे, उनका टिफ़िन चुराना पड़ेगा, हो सकता है तो उनका फ़ोन चुराना पड़ेगा। ये सब काम यहाँ कर सकते हो, तो मैं आपका आगे शेड्यूल करता हूँ, नहीं तो आप कहीं भी किसी और घटिया कंपनी में जा सकते हैं। हमारी कंपनी वन ऑफ द वर्थ कंपनी है, यहाँ पर इतने घटिया घटिया लोग आते हैं, और जितने भी लोग यहाँ अभी ग्रुप कर रहे हैं ना, हाँ, ये टाटा कंपनी, चंबानी, ये सब के सब हमारी कंपनी में काम करते थे पहले। फिर उन्होंने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि हमने चोरी चिकारी उन्हें सिखाई, और वो आज की डेट में बहुत आगे बढ़ गए हैं जी। अच्छा, आप कर सकते हो चोरी, ठीक है, मैं आपका नाम आगे शूट में बताता हूँ। आप फटाफट अपने बारे में थोड़ा इंटरव्यू दीजिए कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। 7 गर्लफ्रेंड हैं, 5 के नंबर आप लिखवा के जाओगे, 2 को आप मेरे पास छोड़ोगे, फिर आपकी आगे हम कंडीशन के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक बार अपने कंप्यूटर में फिल कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है पेंसिल चाहिए नहीं है, तो मैं ड्रामे कर रहा था, द
आपका दिमाग चेक कर रहा था, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, लेकिन मुझे पता है आप, तो आप सुअर वाली गली से आए हुए हैं, तो वहाँ पर दिमाग आपका नहीं चलेगा। कोई नहीं, मैं आपका नाम डाल देता हूँ फिर भी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी। पांच गर्लफ्रेंड ना, पांच गर्लफ्रेंड्स, पांच गर्लफ्रेंडों का नंबर आप लिखवा के जाने वाले हैं। दो गर्लफ्रेंड को आप मेरे कैबिन में छोड़ेंगे 1 घंटे के लिए, ओके? अच्छा, उनकी मम्मी को भी छोड़ोगे आप? ओके, मम्मियों को भी छोड़ेंगे, आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे उस चीज़ के बोनस। और ये हमारी बहुत बढ़िया कंपनी है, अगर आप 3 बंदे और छोड़ोगे तो आपको उन 3 के 500 रुपये और मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बंदे छोड़ने हैं। जो भी बंदा जाए आपके आसपास उसे आपको बेवकूफ़ बनाना है। बस ये बोलना है, भाई ये 7 लाख की जो गाड़ी है ना, ये तेरी हो सकती है, बट वो गाड़ी आपकी नहीं होगी, गाड़ी मेरी होगी वो। मतलब मैंने भी किसी से रेंट भी ले रखी है, पर आप ये शो कराओगे उसे, बंदों को ऐड करोगे, उसके बाद जो भी कमीशन बनेगा हम आधा आधा करेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, देखो यार आप समझ नहीं रहे हो, ये बहुत इंटरनेशनल कंपनी है, यहाँ पर ये चीज़ें करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो आप फिर सब सोच लो। अच्छा ठीक है, आपके लिए एक और जॉब मैं वैसे बता सकता हूँ, आप यहाँ से नाका पार कीजिए। हाँ, नाका पार करने के बाद ना आपको पनवाड़ी मिलेगा, उससे मेरा नाम भी दीजिएगा, चोर बहादुर, वो आपको अपनी डेली पर रख लेगा, हर महीने 7,000 रुपये देगा। ठीक है, आप चाहिए कोई बात नहीं, ठीक है मल्होत्रा जी भाई। सेक्रेटरी, यहाँ पर ये शाहरुख, शाहरुख नाम का कोई लड़का आया हुआ है, इसका शेड्यूलिंग है मेरे साथ। हाँ, समझ गया, ठीक है, बैठिए भाई बैठिए। हाँ शाहरुख भाई, कहाँ से आए हैं आप बताइए। अच्छा, समझ गया, बैठ जाइए। तो अपना एक बार जो भी एक घटिया इंटरव्यू आप दे दीजिए फटाफट। ओके मिस्टर शाहरुख पहलवान, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, बसों में चोरी चकारी? अरे ये तो बहुत काम की चीज़ है, ये टैलेंट हमें चाहिए था। आप आ जाइए, आप पीछे एक बस जा रही है, पहले देख रहे हैं जा रही है 258, इसके अंदर चढ़िए, यहाँ से लेके एंड तक जब वो बस ख़त्म होती है, 5 लोगों के पर्स मारने हैं आपको, 5 लोगों के पर्स मार के आप मेरे पास आओगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि आप हमारे साथ रहोगे या नहीं। आइए यू कैन गो, वो रीच बस 258 जा रही है, चढ़ जाइए भगते हुए उस पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए इनका भी इंटरव्यू हो गया, जब ये आते हैं उनके बाद देखते हैं। आप मिस्टर अनिल, अनिल जी बैठिए, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, आप वो है ना, हाँ पुलिस वाले जो हैं उनके बेटे हैं ना। अरे सर, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, आप कब आएंगे? अच्छा आप कितना पढ़े हैं? अच्छा 3री पास हैं आप, अरे कोई नहीं, हमें तो 3री पास वाले बंदे ही चाहिए। नो नो सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आना है ऑफिस में, बैठना है, दारू पीनी है, सट्टा लगाना है, बीड़ी पीनी है, हम आपको बैठे बैठे 60,000 रुपये देंगे। ये सर, नहीं सर, ये स्कीम तो सर आप ही के लिए है, सिर्फ जो पुलिस वाले के लड़के होते हैं ये स्कीम उन्हीं के लिए चलती है, कभी कोई कंपनी डूबती है तो आपके पापा हेल्प तो कर सकते हैं ना हमारी। जी, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। इंटरव्यू के सारे इंटरव्यू तो हो गया आपका, आप तो पास हो, मैं लिख देता हूँ, बट आप पास हो चुके हैं क्योंकि आप पुलिस वाले के लड़के हैं, इससे आप कुछ नहीं बोल सकते, क्विंट अकाउंट एनकाउंटर हो सकता है मेरा। आपका तो मैंने नाम ही सेट करा दिया, मैं आपका शेड्यूलिंग में नाम डाल देता हूँ आगे, कि आप 1 महीने बाद कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अरे सर आप तो, मतलब मैं आपका, रुको भी, मैं आपका नाम कंपनी, आपकी नाम कंपनी जो है आपके नाम पे करता हूँ। हाँ आपका नाम सुलेमान, सुलेमान जी, मैंने आपके नाम पे ये पूरी कंपनी करती है, अब इस कंपनी को रन आप करेंगे अपने हिसाब से, हम तो यहाँ पर अब छोटे मोटे एक ऐसे ही बंदे हैं, हम आपके नीचे काम करेंगे अब। जी सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आइए आप मेरी सीट पे बैठिए, आप मेरे सर पे बैठिए सर, बोलिए तो सर, ये सिगरेट सर, सिगरेट पीजिए प्लीज़, ये लीजिए सर, सर मैं लाइटर जलाता हूँ सर, प्लीज़। अरे सर सर सर, अरे पी लीजिए, अरे मैं अपने हाथ से पकड़ लेता हूँ सर, आप तो धुआं भी कितना मस्त छोड़ते हो ना। अरे कोई नहीं सर, ये सब चीज़ें, अरे सर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, चाय मैं लेके आता हूँ सर, 1 मिनट सर मैं, अरे चाय ला भी, साहब के लिए चाय ले गया, चाय पीजिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सर आप साइड में आ जाइए सर, मैं सर ना सर 2-3 जो
जी है ना, मैं उनका इंटरव्यू ले लूँ जरा। हाँ सर, हाँ प्लीज़ सर, आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज़। हाँ नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश, मुकेश जी बैठिए। तो मुकेश जी शुरू कीजिए, अपने बारे में बताना। अच्छा, आप ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? अरे अरे, आप तो इस कंपनी के लिए सेट ही नहीं हो, फिट ही नहीं हो इस कंपनी के लिए। तो और क्या क्या कर रखा है आपने? टेक्निकल कर रखा है? ओह शिट सर, आप तो इस कंपनी के लिए वही नहीं, फिक्स ही नहीं हो अब भाई। तू इस कंपनी के लिए फिक्स नहीं हो सकता भाई, क्योंकि तेरी नॉलेज जो है बहुत कम है। हमें हाई नॉलेज वाले बंदे चाहिए। हाँ कोई नहीं, उसके अलावा और आपने क्या क्या कर रखा है? आप सुबह जल्दी उठते हो, जिम जाते हो, सारे काम अच्छे करते हो। सर सॉरी, ये कम जॉब जो है आपके लिए नहीं मिल सकती आपको। इसके लिए सर कम से कम तीसरी पास लड़का होना चाहिए। अरे सर, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ज़्यादा है ना, ये कम है हमारी, मतलब हमारी कंपनी के हिसाब से कम है ये। कोई नहीं सर, आप कोई नहीं, आप किसी, मैं आपको एक एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ से आप सीधे जाएंगे। हाँ वो गंदा नाला है ना, गंदे नाले के साथ आप लेफ्ट ले लेना। गंदे नाले जैसे आप लेफ्ट लोगे ना, वहाँ एक वो होगा चौक पड़ेगा, चौक के पास एक बंदा सिगरेट पी रहा होगा, उससे मेरा नाम ले लीजिएगा, उससे बोल लीजिएगा कि वही उसने भेजा है, चोर पहलवान ने, चोर बहादुर ने। वो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स देगा और आपको सट्टा लगाना सिखाएगा। जब आप कैपेबल हो जाओगे तब आपको जॉब मिल जाएगी। जी सर, आप जा सकते हैं, दफा हो जाइए प्लीज़। हाँ भाई आ गया, आ जा आ जा, बैठ जा बैठ जा। कितने लोगों के पर्स मारे भाई तूने? 5 लोगों के। ला पहले पैसे गिनने थे। चल तूने काम तो बहुत बढ़िया किया है, हम तुझे, मैं तुझे रख लेता हूँ जॉब पे, क्योंकि तू बहुत अच्छा चूहा दिख रहा है मुझे। हाँ शाहरुख पहलवान जी, ठीक है तेरा नाम सेट कर देता हूँ मैं। उसके बाद तू कल से ज्वाइनिंग कर ले, रोज़ 5 लोगों के पर्स मार रहे हैं, रोज़ पैसे मुझे देने हैं, हर महीने के 2000 रुपये मैं तुझे दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, नाम डाल देता हूँ लिस्ट में तेरा, शाहरुख पहलवान जी। 258 बस मैं पॉकेट मारी। बहुत बढ़िया शाहरुख, ऐसे काम करोगे आप मेरे कंपनी किसी दिन जल्दी हड़प लोगे। आप चाहो तो मेरा पर्स मार के भी बहुत अमीर बन सकते हो। आप मेरी विशेष आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगी, तो प्लीज़ आप नेवर ग्रो अप। आप बैठ जाइए आराम से, ठीक है? नहीं अब मेरा पैकअप हो चुका है, मैं जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम भी करना है और 2-3 लोगों के मुझे भी पर्स वर्स मारने पड़ते हैं 58 में जाते टाइम पे। ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? कोई नहीं, आप ठीक है, चलते चलते।